हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का सब्जी। उससे इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि इतने दिन बाद मैं वीडियो दे रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी। इसके लिए सबसे मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी बनाना। मैंने बैगन की सब्जी के लिए बैगन लिया है, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। बैगन लिया है, लहसुन को मैंने चॉप्ड कर लिया है, अदरक मैंने चॉप्ड कर लिया है, मिर्चा है जो मैंने काट लिया है, धनिया पत्ता है, टमाटर है, यहाँ करीब मैंने 3 टमाटर लिया है और 2 प्याज लिया है। बस चलिए स्टार्ट करते हैं अभी, और इसको मैं मस्टर्ड ऑयल से बनाऊंगी। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, कढ़ाई गर्म हो गया। इसमें मैं करीब 2 चम्मच तेल दे रही हूँ। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्दी बन जाती है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये आप चावल के साथ या तो रोटी के साथ बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। घर में एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। गर्म हो गया है, अब मैं इसमें लहसुन दे दूँ। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको रेसिपी अच्छे से पता चले। ये बाद मैं इसको इतना अदरक दे देंगे। अभी मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोग की तरफ से मैं इतना कुछ तक अभी आप सकी हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं इसमें प्याज दे दिया, अभी मिर्चा मैं इसमें डाली एक चम्मच के बाद मैं इसमें बैगन ले लूंगी। थोड़ा देर के लिए मैं बैगन को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। घर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इसके लिए मैं फिर से आप लोग सभी से माफी चाहती हूँ। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक दे रही हूँ।
हम इसमें कर दूंगी। मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। मैं इसमें कश्मीरी मिर्च दे रही हूँ। अच्छे से मिला लीजिए, ये अच्छे से फ्राई कर लीजिए। देखिए मैं पूरा मेरा पक चुका है, अभी फ्राई करते रखते हूँ। मैं हल्का सा चीनी लूंगी जो नमक का बैलेंस को बनाए रखता है, इसलिए मैं चीनी देती हूँ उसकी। आप लोग चाहें तो इसकी स्किप भी कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी देना होगा। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसमें आप मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मैगी मसाला तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें मैगी के साथ जो मसाले मिलते हैं ये मैं एक पैकेट इसमें दे दूँ। इसको देने से बहुत ही टेस्टी होता है खाना। आप इसको एक बार बना के घर में जरूर देखिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अभी तो ठंड के सीजन में बैगन अच्छा मिलता है। मैं हल्का सा मैं पानी दूंगी इसमें, बस मैं थोड़ा सा पानी दूंगी और मैं इसको कुछ समय के लिए ढक दूंगी। अब ये थोड़ा सा होगा, उसके बाद हो जाएगा। रेसिपी कंप्लीट हो गई है, देखिए आप लोग बैगन अच्छे से फ्राई हो गई, पीक जाएगा। अब इसमें मैं मोमबत्ती ऐड कर दूंगी। थोड़ा देर के लिए 5 मिनट तक मैं इसको ढक दे रही हूँ। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ ताकि इसमें धनिया का फ्लेवर आ जाए, चीज अरोमा देगा इसमें से। रेडी हो गया, देखिए आप लोग। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाऊंगी। रेडी हो गया, देखिए मैंने सर्व करके रखा है, मैंने रोटी के साथ सर्व किया है। आप लोग बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।
अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्लीज प्लीज व्यूअर्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।